सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। आई होप कि आपने मेरे इसके प्रीवियस व्लॉग्स देख लिए होंगे इस जर्नी के। सो दिस इज द लास्ट व्लॉग, आई मस्ट से, मतलब ये आखिरी व्लॉग रहने वाला है। तो अब इस व्लॉग में मैं बेसिकली लाइक आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम जयपुर टू जो हमारी लोकेशन है दिल्ली NCR। सो आई एम ट्रैवलिंग देयर। सो अब इसमें जो पॉइंट आपको यहाँ पर अब हम शेयर करने वाला है कि हम आपको अपना जो लास्ट 2-3 डेज़ का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ पहले मैं आपको बता देता हूँ टू एंड फ्रो मेरी बाइक कितनी चल चुकी है। तो भाई अभी तक मैं चला चुका हूँ 637 किलोमीटर्स एंड अप्रॉक्स अभी 200 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो लगभग आप मान सकते हैं कि जो ये राइड जर्नी थी ये ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर्स के आसपास की थी, जिसमें अभी 200 प्लस पेंडिंग है। और अभी टाइम हो रहा है 2:08, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने इससे ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्लिप्स दिखेंगे, तो मैं उस क्लिप्स की आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकला था 11:30 पे, और 11:30 पे जब मैं निकला तो आपको पता है कि पूरी बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो जब क्लीनिंग कराते मुझे वहाँ 12:30 हो गए, और वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। लाइक उन्होंने पहले बाइक देखी, पहले तो वो बहुत चौंक गए, बट भाई लोगों ने सबने मिलकर हेल्प करी। और आप मानोगे नहीं भाई, कम से कम नहीं तो 45 मिनट्स लग गए इसको बाइक को क्लीन करने में। और वो आपके सामने ही है कि भाई कितनी मिट्टी थी, क्या था। इवन ऐसी मिट्टी थी हाथ लगाते हाथ में लग जाए तो 4 बार हाथ धोना पड़ रहा था, बट उसके बाद भी अभी एक क्लीनिंग और रिक्वायर्ड है। 198 किलोमीटर अभी रह गए हैं एज़ पर द, आप देख सकते हैं बोर्ड आया था फॉर दिल्ली। और यस, सो अभी लगभग अगर मैं बात करूं तो 12:30 में एक्यूरेट निकला था। अभी मैं नॉन स्टॉप भी चल रहा हूं, जिसमें मैंने सिर्फ एक 5-7 मिनट का पेट्रोल भरवाने का ब्रेक लिया है अभी तक, और जिसमें रिफिल हुआ, फुल टैंक करा लिया मैंने पहले से। और साथ ही साथ आपका अभी मैंने ब्रेक लिया था कैमरे को लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं टायर्ड था, तो इस वजह से मैंने कैमरे को भी थोड़ा लेट ही लगाया है सेटअप को। सो यस, सो अब बात करते हैं ओवरऑल जर्नी की। तो किशनगढ़ वाज अमेजिंग, उसके बाद जो हुआ सांभर लेक में, यार पहले सब कुछ स्मूथ जा रहा था, लाइक टिल 4:30 एवरीथिंग वाज स्मूथ, बट 4:30 के बाद क्या हुआ कि आई स्टार्टेड लाइक आई नीड टू लीव, मुझे वहाँ से निकलना था ताकि मैं जयपुर आ सकूँ। और जयपुर की जो जर्नी थी वहाँ से 80 किलोमीटर्स की थी, तो लगभग 2 घंटे की जर्नी थी। बट जब निकलते क्या हुआ कि बाइक अचानक से ठस गई एक जगह पे सांभर लेक में, और वो बाइक भाई वहाँ से नहीं निकली। तो जो जर्नी थी वहाँ से वो बाइक बिल्कुल नहीं हिल ही नहीं पा रही थी भाई। और उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर हेल्प करी, और ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद बाइक हम उसे निकाल पाए। और निकाला भी हमने उसे कैसे है कि भाई वो आगे तो जा ही नहीं रही थी, तो हमें उसे 180 डिग्री रिवॉल्व करना पड़ा। मींस जितना वो अंदर आके ठसी थी ना, हमें उसी ट्रैक पे इसको उल्टा करना पड़ा बाइक को, एंड देन वी हैव टू लाइक पुश इट। तो भाई वो करते, क्योंकि वहाँ एक्चुअली खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वहाँ पे पैर रखते तो पैर आपका ठस जाता था मिट्टी में। तो पर यार हैड्स ऑफ है राजस्थान के लोगों के लिए। इवन मैंने उनसे बोला भी, यार आप आ जाओ, आपके जो भी खर्चा होगा जो भी होगा आई विल टेक इट अप, बट उन्होंने मुझसे भाई 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, उनके पूरे पैर गंदे हो गए, पूरी उनके चप्पल का भी मुझे लगता है नुकसान हो गया होगा, पर उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने बोला भाई पैसे की कोई बात नहीं है, हम मदद करने आए हैं और आपको हम पूरी हेल्प करेंगे। और एक टाइम पर ऐसा था कि भाई हिम्मत हार चुके थे, बट एक भाई और आए बाद में, तो उन्होंने भाई यही बोला, जबकि जब तक आपकी बाइक निकलेगी नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो उसने जो था ना, उसने वो हिम्मत बांध दी एक तरीके से कि यस यार अब तो कर ही लेंगे। और मैं इनमें कुछ बातें उनकी थी जो उन्होंने मुझे प्लस पॉइंट्स बताए। उन्होंने ये बताया कि यार अगर बाई चांस आपकी बाइक अंदर ख़राब हो जाती तो अंदर लाइक सांभर लेक इट्स लाइक 10-12 किलोमीटर, और अगर अंदर की तरफ ख़राब हो जाती तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ एक्चुअली मैं तो एग्जिट पे था, तो मैं निकल रहा था, तो मैं रोड ही ढूंढ रहा था कि मैं रोड पे कैसे बाइक को चढ़ाऊँ।
मुझे कट नहीं मिला, कट मिलते मिलते मैं उसमें जाके फंस गया दलदल में। तो रोड की वजह से मुझे ये बेनिफिट हो गया कि मैं लोगों को आवाज़ लगा पा रहा था, एंड एक कोई एक कभी कोई रुका कभी कोई नहीं रुका, बट ऐसे करते 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 लाइक दो बंदों ने एंड में आकर हेल्प करी और फाइनली हम बाइक को निकाल पाए। और उसके बाद लाइक आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक टू जयपुर। तो जब मैं जयपुर के लिए निकला तो लाइक 6 बज चुके थे, तो ऑलमोस्ट लाइक 70% अंधेरा हो चुका था। और उसके बाद थोड़ी आगे जाके मैंने किसी से हेल्प लेके अपने शूज़ एंड ऑल एवरीथिंग क्लीन करे, और वो करते करते मुझे आधा घंटा और लग गया। तो भाई 6:30 बज गए थे, कैमरे की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, और तो फिर उस टाइम पे तो कोई ब्लॉग बन नहीं सकता था और कंप्लीट अंधेरा था। तो वहाँ से जो जर्नी थी ना, नेट टू नेट मैं 1 hour 45 minutes में जयपुर आया हूँ सांभर लेक वाली लोकेशन से, जो थी ऑलमोस्ट 80 kilometers। वो भी मैंने नॉन स्टॉप ही करी क्योंकि मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि मैं रुकूँ कहीं पर भी, और तो वो भी मैंने नॉन स्टॉप करी। और उसमें भाई कम्प्लीटली अंधेरा, और आप अगर आप अपना वाइज़र ओपन करके चल रहे हैं तो आपके मुंह पे मच्छर आ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों का भाई ध्यान रख के उस रोड पर ऑलमोस्ट लाइक मैं 60-80 की स्पीड मेंटेन करके फाइनली जयपुर पहुंचा। सो दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। और एक बार ही ऐसे लगा था कि भाई कि नुकसान हो चुका है, बट फॉर्चुनेटली मैं बात करूँ तो भाई बाइक वहाँ पर गिरी नहीं, और जो भी मतलब मिट्टी एंड ऑल जो भी इसमें भरा वो इसके टायरों में ही, टायरों वाले जितना एरिया था वो सारा उसमें ही भरा। और मैं अगर मानूंगा तो 2-3 kilometers ही भर चुकी थी और फाइनली निकल गए वहाँ से। बट अगर हाँ, अगर बाइक गिर जाती तो भाई उठाना और मुश्किल हो जाता, और साथ ही साथ जो बाइक के आगे का पोर्शन है इंजन एंड ऑल इसमें भी मिट्टी जाने के चांसेस थे। तो फॉर्चुनेटली भाई ये हमारे साथ एक इंसिडेंट था जो जिससे हम बच गए। बट यस, इट वॉज़ अमेजिंग जर्नी, काफ़ी लोगों ने मुझे हेल्प किया और काफ़ी लोग ये एक्सपीरियंस मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यादगार रहेगा, क्योंकि जहाँ पे मैंने अपने शूज़ भी क्लीन करे उन्होंने मेरे को लाइक 30 minutes का कंप्लीट हेल्प करी, और पूरा वही पानी भर भर के दे रहे थे और मैं ही शूज़ धो रहा था वहाँ पे, और इतने ज़्यादा गंदे थे ना। मैं आपको फ़ोटो आई विल ऑलरेडी शेयर इन दिस ब्लॉग, जो आपको इस ब्लॉग में दिख जाएगा। तो और अभी भी उसकी हालत कोई इतनी अच्छी है नहीं शूज़ की। बट यस, एक और बात, अगर आप भाई ओराजो है तो इन्होंने मुझे बचा लिया। यही अगर मैं कोई और शूज़ पहनता लाइक स्पोर्ट शूज़ या फिर आप मान सकते हैं कोई भी वुडलैंड तक मैं पहनता, जो अपने मैं रेगुलर पहनता हूँ शूज़, जो मेरे ट्रैकिंग वाले शूज़ हैं भाई, वो कपड़े के थे वो सारे ख़राब हो जाते और मुझे नए शूज़ ही लेने पड़ते, कोई और मेरे पास ऑप्शन होता ही नहीं। तो ये ओराजो के थे तो भाई शूज़ बच गए, क्योंकि जो नीचे का पोर्शन है इसका काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, और साथ ही साथ जो इसके जो आप क्या बोलते हैं शू के नीचे जो बेस होती है, बेस बोलूँगा मैं अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, तो वो जो थी ना वहाँ पे 1% भी मिट्टी नहीं भरी भाई। वहाँ जयपुर आते आते उधर की मिट्टी क्लीन हो चुकी थी, जो एक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए राइड को पूरा कम्प्लीट करने में। सो भाई अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान से जाइए, मैं तो बच गया हूँ, थोड़ा भगवान गॉड ग्रेस, और काफ़ी लोगों ने हेल्प करा और वो टाइमिंग भी थोड़ा सही बैठा। यही अगर मैं लेक से निकलने का ड्राइव 5:30 पे करता तो भाई बहुत मुश्किल होता, मुझे कोई भी नहीं मिलता इतने अंधेरे में वहाँ, और मुझे बाइक को वहाँ छोड़ना ही पड़ता, और बाइक छोड़कर मुझे लाइक नेक्स्ट डे ही कुछ कोशिश करनी पड़ती। तो दैट वॉज अमेजिंग जर्नी। तो अब बात करते हैं, चल चुके हैं हम ऑलमोस्ट 47+25 लाइक 75 kilometers हम अपना क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट द रूट, और अभी जो हमारे किलोमीटर है वो लेस देन 200 हो गए हैं। और अभी कंटिन्यूस बाइक 12:30 से चली रही है 2:30 तक, तो अब जो मेरा नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो ऑलमोस्ट मैं 3:30 या 4 o'clock पे लूँगा, ताकि बाइक को जो है 15-20 minutes का ब्रेक मिल सके। यस, अभी थोड़ी बाइक में इशू तो नहीं बोलूँगा, बट यार बाइक में क्या हो रहा है कि अभी इसकी जो चेन है ना वो बिल्कुल ज़्यादा सूख गई है, एक तो चेन लूप नहीं हुई थी और साथ ही साथ बाइक जो धुली है ना वो 45 minutes तक ऐसा क्लीन हुआ है कि चेन जो है ना वो बिल्कुल रेडिश हो गई है और बिल्कुल काफ़ी मतलब सूख चुकी है। तो अब इस राइड के कम्प्लीशन के बाद डेफिनेटली मैं इसकी चेन लूप करवाने वाला हूँ। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना यार, इसमें आप स्टैंड नहीं लगा सकते, डबल स्टैंड आता नहीं है, लेफ्ट स्टैंड लगाएंगे तो लाइक जो साइड स्टैंड है अगर वो हम लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई गाड़ी बंद रहती है तो उसमें टायर घूमेगा नहीं,
तो मैन्युअली जितना भी करो इतना पावरफुल मतलब हेल्पफुल नहीं रहता, बट हाँ अगर डबल स्टैंड पे लगा के आप करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। पर ठीक है, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तो हमें पहुँचना ही है, तो तभी थोड़ा सा स्पीड में ना थोड़ी सी लैकिंग आ रही है। बट ठीक है, मैं इसको अभी 60-80 ही मेंटेन कर रहा हूँ। और एक खास बात भाई, एवरेज दे रही है गाड़ी 40 किलोमीटर पर लीटर की, तो एवरेज भी हम इसके बाद जो है एक बारी जो मेरा नेक्स्ट कोई भी ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको एक्यूरेट एवरेज मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो वो एवरेज आप कैलकुलेट करना हाईवे रिलेटेड। सो मैं NH 48 पे चल रहा हूँ, तो NH 48 के हिसाब से ये माइलेज है, या आप कोई भी हाईवे से रिलेटेड इस माइलेज को कंपेयर कर पाएंगे। और आगे AC रूम, सनफ्लावर होटल एंड रेस्टोरेंट, नहीं 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 हम कोशिश करते हैं भाई, क्योंकि दिन दिन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि निकल जाऊँ यहाँ से, तो उतना हमारे लिए सेफ एंड ईजी हो जाएगा। और अच्छा भाई, NH 48 में मिल गया, बहुत तगड़ा जाम गया, राइट में बन रही है रोड और एक दो लोग आ रहे हैं सामने से। भाई यार इतना तो सुधर जाओ, पूरी रोड बन रही है राइट साइड पे और अभी तो हम पूरी तरीके से स्टक हैं। पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, उसको क्या बोलो, सामने से ताऊ आ रहा है। मैं जब भी कहीं पहुंचता हूं तो रेड लाइट हो जाती है और जिस लाइन में चल रहा हूं वो ट्रक चुपचाप खड़ा हो गया है। अरे यार तेरे पीछे कितने लोग हैं और तू यही मेन रोड पे खड़ा हो गया। चलो नेवर माइंड, जाम से निकले। तो जाम से अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली दिखा रहा है यहाँ से, नीन का ठाना है भाई यहाँ 55 किलोमीटर पे, और दिल्ली है यहाँ से 158 किलोमीटर। तो अगर आपको गुड़गांव जाना है तो इसमें आप 30 किलोमीटर लेस कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 128 किलोमीटर। चलो देखते हैं अभी कितने किलोमीटर और खींच सकते हैं, क्योंकि अब हो रहा है भाई ब्रेक लेने का समय, क्योंकि गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए, अब उनको भी रेस्ट चाहिए। और टाइम हो चुका है 14:50, इट मीन्स 2:50 टाइम हो चुका है। तो अब यार क्योंकि बाइक कंटिन्यूस चल रही है, 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, तो भाई बाइक को भी रेस्ट चाहिए और अपने को भी रेस्ट चाहिए। तो ऑलमोस्ट अब जो मैं ब्रेक लूँगा, मैं 30 मिनट्स का ब्रेक लूँगा। सो गाइस अब यहाँ पर हम फिनिश करते हैं अपनी ये जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर।